बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 3 उर्दू मीडियम का साइंस का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर देने से पहले आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लास 3 उर्दू मीडियम साइंस का सफ़ा नंबर 12 है, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मादा की हालतें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस यूनिट के 3 सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 से लेकर 6 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में अपने पहले 3 सवाल में क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स, उसमें हमने पढ़ा कि मादा क्या है, ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ मादा कहलाती है और मादा की खसूसियात ये होती हैं कि मादा वज़न रखता है और जगह घेरता है। फिर हमने मादा की इकसाम पढ़ी कि कितनी इकसाम हैं और उनके नाम के बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, मादा की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। तो आज हम इसमें से 2 इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, ठोस और माया के बारे में। अब हम पहले आपके आज के जो हैं हमारे सवालात हैं उनको रीड कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, मादा किस चीज़ से बना होता है? जवाब, मादा नन्हे नन्हे ज़र्रात से बना होता है। ये नन्हे ज़र्रात एटम कहलाते हैं। एक एटम मादे का छोटा तरीन ज़र्रा होता है। सवाल नंबर 5, ठोस चीज़ क्या होती है? जवाब, ठोस चीज़ की एक ख़ास शक्ल, हुजम और वज़न होता है, मसलन लकड़ी, पत्थर, शीशा, रबड़ वगैरह। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, मादा की माया हालत कैसी होती है? जवाब, माया की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, लेकिन इसका हुजम होता है। पानी, दूध, तेल, पेट्रोल वगैरह ये सब माया की मिसालें हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है, मादा किस चीज़ से बना होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ मादा है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मादा नन्हे नन्हे ज़र्रात से बना होता है। ये तमाम चीज़ें छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनती हैं। ये नन्हे ज़र्रात एटम कहलाते हैं। इनके मादा जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात, जिन्हें एटम कहा जाता है, उनसे मिलकर बनता है। एक एटम मादे का छोटा तरीन ज़र्रा होता है। एटम जो है वो मादे का छोटा तरीन ज़र्रा होता है और छोटे छोटे ज़र्रे, छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं वो मिलकर मादा बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 है हमारे पास, ठोस चीज़ क्या होती है? जवाब, ठोस चीज़ की एक ख़ास शक्ल, हुजम और वज़न होता है। मतलब जो सॉलिड, ठोस कहते हैं सॉलिड थिंग्स को, ठोस चीज़ें जो होती हैं उनका उनकी ख़ास शक्ल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो उनका हुजम होता है वो भी ख़ास होता है। इनकी वो जगह जो कि कोई शय घेरे, उनकी जो जिसामत होती है वो भी ख़ास होती है और उनका वज़न होता है, ठीक है। मसलन लकड़ी, पत्थर, शीशा, रबड़ वगैरह। जैसा कि अगर हम लकड़ी को ले लेते हैं, तो लकड़ी जो है उसकी एक ख़ास शक्ल होती है, उसका हुजम होता है, इनके जितनी वो जगह घेरती है, और यकीनन लकड़ी का वज़न भी होता है। पत्थर इसी तरीके से, पत्थर है,
ठीक है, उसकी भी एक ख़ास शक्ल होती है, उसका अपना हुजम होता है और वो वज़न रखता है। शीशा और रबड़ भी इसी तरीके से हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, मादा की माया हालत कैसी होती है? जवाब, माया की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। जैसे ठोस चीज़ जो है उसकी ख़ास शक्ल होती है, ऐसे माया की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, लेकिन इसका हुजम होता है, इनके इसकी जिसामत होती है लेकिन इसकी शक्ल नहीं होती। माया को जिस भी चीज़ में डाला जाए ये उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इनके हर वो चीज़ जो बहती हो, जो बह सकती है, वो माया कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास पानी, दूध, तेल, पेट्रोल वगैरह, ये सब माया की मिसालें हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि मादा किस चीज़ से बना होता है। मादा नन्हे नन्हे ज़र्रात से मिलकर बना होता है और वो नन्हे ज़र्रात एटम कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ठोस चीज़ क्या होती है, तो ठोस चीज़ जो है उसका एक ख़ास वज़न होता है, ख़ास शक्ल होती है और एक ख़ास हुजम होता है। फिर हमने ठोस चीज़ें जो है उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, जिसमें लकड़ी, पत्थर, शीशा, रबड़ वगैरह, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ठोस हैं। फिर हमने पढ़ा कि माया हालत जो है वो कैसी होती है। तो जैसे ठोस चीज़ जो है वो वज़न रखती है, ऐसे माया का भी वज़न होता है, लेकिन माया की ख़ास शक्ल नहीं होती, ठीक है, इसका हुजम होता है, इसकी ख़ास शक्ल नहीं होती, जिसकी हमने मिसालें पढ़ी, जिसमें पानी, दूध, तेल, पेट्रोल वगैरह हैं, इनके जो चीज़ें बह सकती हैं वो माया हालत में होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छी सी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के बकिया 2 सवालात को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।